गेट अकेडमी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि फ्लूइड डायनेमिक्स के प्रॉब्लम को आप कैसे बहुत ही जल्दी विद इन 2 सेकंड्स आप सॉल्व कर पाओगे गेट एग्जाम के लिए। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा कि एक्चुअली उसको कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसका एक शॉर्टकट टाइप का बना के रखेंगे और देखेंगे गेट एग्जाम में उस शॉर्टकट को आप कब अप्लाई कर पाओगे, कैसे अप्लाई कर पाओगे, किन क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे और कैसे प्रॉब्लम को आप 2 सेकंड में बना सकते हो। सो स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट देखता हूँ, उसके बाद गेट एग्जाम के अलग अलग 2-3-4 क्वेश्चंस भी देखूंगा जहाँ पे उन शॉर्टकट्स को अप्लाई करूंगा और प्रॉब्लम्स को 2 सेकंड के अंदर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक टैंक है यहाँ पे, जिसको मैंने अज्यूम कर लिया है कि बहुत ही लार्ज टैंक है या रिजर्वायर अज्यूम कर लिया हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है, लार्ज टैंक अज्यूम करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से लिक्विड अगर बाहर आता है इस ट्यूब के थ्रू, उसके बावजूद मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि टैंक के अंदर जो लिक्विड का जो लेवल है वो कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगा और फॉल नहीं होगा। यानी पॉइंट नंबर 1 का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 होगा या फिर एच का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो गेट एग्जाम में किसी प्रॉब्लम में अगर ये नहीं भी दिया हुआ स्टेटमेंट कि टैंक अगर बहुत ही लार्ज है, फिर बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि टैंक का वैल्यू लार्ज है और हमेशा V1 को 0 ले लेते हैं और एच को हमेशा क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट नंबर 1 जो है वो फ्री सर्फेस के ऊपर एक पॉइंट है, लिक्विड के फ्री सर्फेस को पॉइंट होने के कारण वहाँ का जो प्रेशर होगा वो एटमोसफियर के बराबर होगा, जो गेज के टर्म्स में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाओगे जो पॉइंट नंबर 2 है, जहाँ से एग्जिट हो रहा है, जहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है इस ट्यूब के थ्रू, वो पॉइंट नंबर 2 है और ओपन टू एटमोसफियर के कारण डिस्चार्ज होगा, एटमोसफियर में होगा। दैट मीन्स वहाँ का जो प्रेशर होगा P2 वो एटमोसफियरिक होगा, गेज के टर्म्स में आप वहाँ पे 0 लिख पाओगे। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट सिर्फ ये करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम दिस ट्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा जो ट्यूब से बाहर आ रहा है, वो सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वे में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बर्नौली लगा लेते हैं यहाँ पे। तो बर्नौली कैसा हो जाएगा, बिटवीन पॉइंट नंबर 1 और 2 बर्नौली लगा रहा हूँ, दैट इज P1/गामा प्लस V1² / 2G प्लस Z1 = P2/गामा प्लस V2² / 2G प्लस Z2 प्लस हेड लॉस। और यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ आइडियल फ्लो अज्यूम कर रहा हूँ, कोई भी हेड लॉस नहीं, इसलिए बैलेंस को यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका P1 का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी कितना है, यहाँ पे बताना 0 है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर दिया P1 = 0 इन टर्म्स ऑफ गेज, एटमोस्फेरिक है। साथ में आपको P2 जो है ये भी यहाँ पे कितना है बताना 0 है, एटमोस्फेरिक इन टर्म्स ऑफ गेज। अब V1 का वैल्यू भी ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया है कि लार्ज टैंक के कारण V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहाँ पे मैंने देख लिया। अब यहाँ पे बात करूंगा Z1 - Z2, दैट इज द हाइट डिफरेंस, यानी जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों के जो लेवल का जो डिफरेंस है Z1 - Z2, ये जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज नोन एज एच, यहाँ से यहाँ तक उसको कैपिटल एच बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख पाओगे Z1 - Z2 = V2 का वैल्यू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा V2² / 2G हो जाएगा। एंड वॉट इज Z1 - Z2, आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे एच है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपिटल एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V2² / 2G हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख दोगे V2² = 2G * H और ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला डिराइव हो गया है V2, दैट मीन्स उस लिक्विड का वेलोसिटी जो इस वाले पॉइंट से बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी √2G H। यहाँ पे दो हाइट मैंने लिया है, एक कैपिटल एच लिया है, एक स्मॉल एच लिया है। स्मॉल एच का मतलब है कि उस कंटेनर में लिक्विड का क्या लेवल है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एच जो है वो ये बताता है सिर्फ कि फ्री सरफेस और जहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है एग्जिट पॉइंट के बीच में और फ्री सरफेस के बीच में व्हाट इज द हाइट डिफरेंस, वो कैपिटल एच होगा। ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे हमेशा कैपिटल एच लेना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल बिटवीन द फ्री सर्फेस एज वेल एज एग्जिट पॉइंट, यहाँ पे कैपिटल एच हो जाएगा। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो √2G H और कैपिटल एच को एकदम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि फ्री सर्फेस और एग्जिट पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस होगा, उसी के बेसिस पे देखेंगे कि आप कैसे गेट एग्जाम में 2 सेकंड के अंदर आए हुआ जो प्रॉब्लम है, 3-4 प्रॉब्लम्स को बनाता हूँ गेट एग्जाम में कैसे आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं पहला प्रॉब्लम, देखेंगे जैसे ये वाला प्रॉब्लम गेट 2006 में आया हुआ है। यहाँ पे कंटेनर दिया है, लिक्विड यहाँ पे फिल्ड है, यहाँ से एक सिफॉन पाइप जा रहा है, यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है। इस पॉइंट पी पे आपको लिक्विड का वेलोसिटी बताना है। तो कंटिन्यू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता है, अगर इसका पाइप का डाई अगर कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा होना, सेम होना है। यानी जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होना है, यहाँ भी वो, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी यानी स्पीड जो लिक्विड का सेम होगा यहाँ पे। तो यहाँ का वेलोसिटी तो वीपी निकालना है, तो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मुला देखा था, √2GH होता है, जहाँ पे एच क्या होता है डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ फ्री सरफेस के बीच का लेवल होता है। तो आप देख पाओगे ये फ्री सरफेस है यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट नंबर 1 और ये एग्जिट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है लेवल का उसको मैं कैपिटल एच यहाँ पे बोलता हूँ। और ये जो कैपिटल एच का वैल्यू जो हो जाएगा मेरे पास वो यहाँ पे कितना हो पाएगा बताना, ये टोटल हाइट H2 है यहाँ पे और ये यहाँ पे H1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास H2 - H1 हो गया। अब मेरे पास फॉर्मूला जो होता है √2GH वाला फॉर्मूला होता है, इसको अगर लगा लेता हूँ सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी √2G * H हो जाएगा। अब H का वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 2G हो जाएगा, साथ में हो जाएगा H2 - H1 हो जाएगा। देख पाओगे वेलोसिटी आ गया यहाँ पे, जो कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे करेक्ट है।
अब देख पाओगे इस टाइप से, आप अगर गेट एग्जाम प्रॉब्लम देखते हो तो आपको देखने के जस्ट बाद, यानी प्रॉब्लम अगर पढ़ने में आपको मान लो 10 सेकंड का टाइम लगता है या 15 सेकंड का टाइम लगता है, उसके बाद आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड मैक्सिमम 3 सेकंड का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अंडर रूट 2gh फॉर्मूला आपको पता रहेगा कैसे करना है, और एच क्या वैल्यू होता है, फ्री सर्फेस लिक्विड और एग्जिट पॉइंट के बीच का जो हाइट का लेवल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज कैपिटल एच, वहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका आंसर आ गया विद इन 2 सेकंड आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स इस वाले प्रॉब्लम को, गेट 2014 में आया हुआ है, ये भी सिफॉन ट्यूब का, यहाँ पे लास्ट टाइम बोल दिया है, यहाँ पे इस सिफॉन के थ्रू वाटर बाहर आ रहा है, एग्जिट पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पाओगे ये फ्री सर्फेस है और एग्जिट पॉइंट, जैसे मैं जानता हूँ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला वही यूज करूँगा, अंडर रूट 2gh, जहाँ पे कैपिटल एच क्या होगा लिक्विड का जो फ्री सरफेस है और जो एग्जिट पॉइंट है उन दोनों के बीच का लेवल का डिफरेंस कितना है। आप यहाँ पे देख पाओगे फ्री सरफेस ये हुआ और एग्जिट पॉइंट ये हुआ, इन दोनों के बीच का जो लेवल डिफरेंस होता है इसी को मैं कैपिटल एच यहाँ पे बोलता हूँ, वो कैपिटल एच कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, तो आप देख पाओगे यहाँ पे जेड पी है, जेड पी में जेड आर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये आ जाएगा आपका जेड पी माइनस जेड आर आ जाएगा कैपिटल एच। सिंस आई नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है, सिर्फ 2gh हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज अंडर रूट 2g, और मैंने यहाँ पे h का वैल्यू लिख दिया दैट इज जेड पी माइनस जेड आर लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ जेड पी माइनस जेड आर यहाँ पे हो जाएगा। आप देख पाओगे ऑप्शन आ गया आपके पास जो कि ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देख पाओगे इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है बहुत ही सिंपल होता है, हार्डली आपको सिर्फ एच फाइंड आउट करना, व्हाट इज एच, यानी लिक्विड का जो फ्री सरफेस है और एग्जिट पॉइंट जो दोनों के बीच का हाइट का क्या डिफरेंस है वो सिर्फ आपको फाइंड आउट करना, अंडर रूट 2gh में लगा देना आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही सिंपल विद इन 2 सेकंड्स। यानी प्रॉब्लम पढ़ने में आपको 10 सेकंड टाइम लगता है, 2 सेकंड लगेगा, टोटल 12 सेकंड में आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, तो बहुत ही बेस्ट में सॉल्व कर पाओगे। तो इस टाइप से मैं आपको शॉर्टकट के बारे में बात कर लिया हूँ, कोई भी एग्जिट पॉइंट हो लिक्विड का, आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखना है, लिक्विड का फ्री सरफेस कहाँ पे है और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे, लिक्विड कहाँ से बाहर आ रहा है उस कंटेनर से, उन दोनों पॉइंट के बीच का हाइट गैप एच होता है, अंडर रूट 2gh आपको वहाँ पे सिर्फ लगा देना है। बट ध्यान देना है शॉर्टकट आप कहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं शॉर्टकट कहीं पे भी अप्लाई कर देते हैं राइट, क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं, शॉर्टकट तभी अप्लाई हो पाएगा जब लार्ज टैंक हो तभी अप्लाई हो पाएगा। सबसे पहले नोट पॉइंट करने से लार्ज टैंक होना चाहिए, आइडियल फ्लो कंडीशन होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी हेड लॉसेस नहीं होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे। अगर किसी भी क्वेश्चन मान लो ऐसा बोलता है कि कंटेनर जो है उसका वॉल्यूम अगर फाइनाइट है, यानी उसका लार्ज टैंक नहीं है फाइनाइट टैंक है, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। दूसरी बात अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको, अगर वहीं पर हेड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल लॉस के बारे में, किसी भी टाइप के लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना कौन से कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, बट जनरली जो गेट एग्जाम में मेरे पास प्रॉब्लम आता है वो इसी टाइप का आता है जहाँ पे टैंक लार्ज दिया रहता है या फिर लार्ज टैंक नहीं भी दिया तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, आप एज्यूम कर सकते हो, बट वहाँ पे आइडल फ्लो, तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों कंडीशन नहीं भी दिया रहता तो भी हम बाय डिफॉल्ट दोनों कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि टैंक लार्ज है आपका, साथ में वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये वाला फॉर्म लगाते हैं अंडर रूट 2gh वाला फॉर्म लगा लेते हैं। और एच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्री सरफेस और एग्जिट पॉइंट के बीच का हाइट गैप कितना होता है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल इस शॉर्टकट को लगा के जो आने वाले गेट एग्जाम प्रॉब्लम होगा या जैसे भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा आप उसको बेस्ट वे में सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।